बोलो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुलकेश भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं और प्रभु जी के चरण प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सत्संग में जो बुलवाएंगे आप जी ही बुलाएंगे और आप जी की कृपा करना आशीर्वाद से हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिस समझ आ जाए, हम उन ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को उस ज्ञान के अनुसार चलाकर हम सभी भक्त आप जी की कृपा करना और प्रसन्नता का पात्र बने। कबीर कहता है, तीन लोग नवखंड में सतगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, प्यारे सतगुरु करे से हुई। यानी कि जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं केवल अपने इच्छाओं के वशीभूत होकर, परंतु होता वही है जो सतगुरु चाहते हैं। सतगुरु हमेशा शिष्य का कल्याण के लिए चाहते हैं और शिष्य का कल्याण ही करते हैं। शिष्य के अंदर अज्ञानतावश वो ये सोचता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये अच्छा है वो बुरा है, मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, परंतु गुरु दृष्टा होते हैं। गुरु अपने शिष्यों के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार को देख लेते हैं, उसी अनुसार गुरु शिष्य को चलाते हैं, गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, साधना सिखाते हैं और शिष्य की भाग्य को बनाते हैं। गुरु को कहा गया कि गुरु शिष्य के आगे बिठाता है। इसीलिए इस सत्संग में जिस ज्ञान के द्वारा हम बच्चों का कल्याण होने वाला है, प्रभु जी हमें वही ज्ञान देंगे और जिस बात का हमें ज्ञान नहीं है प्रभु जी उस बात की हमें तो गुरु को ज्ञान का सागर कहा गया और गुरु को दया का सागर भी कहा गया। गुरु हमेशा अपने शिष्यों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर करुणामय भाव से रहते हैं, दयामय भाव से रहते हैं। गुरु शिष्य के जन्मों के कर्म संस्कारों को देखते हुए शिष्यों को उन कर्म संस्कारों से उभार देते हैं, सेवा देकर, प्रसाद देकर, आशीर्वाद देकर, दर्शन देकर, ज्ञान देकर गुरु शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काट देते हैं। हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुलकेश्वर भगवान सतगुरु स्वामी देवीदास भगवान जी का जो ये दरबार है, इस दरबार के लिए कहा गया, ये मोक्ष का दरबार है। इस दरबार में जो भी जीव आता है वो जो इस दरबार के साथ जुड़ जाता है, जब तक उस जीव को मोक्ष अवस्था की प्राप्ति ना हो तब तक महाप्रभु जी हमारे दादा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव हर जन्म में किसी ना किसी रूप में उस आत्मा को मिलते हैं और उस आत्मा को ज्ञान कराते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, एक जन्म में जब हम योग की ज्ञान ले लेते हैं तो अगले जन्म में उसका अगला ज्ञान मिलता है, उसके अगले जन्म में और उसके अगला ज्ञान मिलता है। इसका मतलब महाराज जी के प्रमाण के अनुसार हर जन्म में हमारे आत्म ज्ञान जो योग का ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। महाराज जी फरमाते हैं, इस जन्म में अगर हमने कोई विद्या ग्रहण कर ली, जैसे हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, टीचर बन गए, व्यापारी बन गए, कुछ भी बन गए, इस जन्म के बाद सभी विद्या जो है वो समाप्त हो जाती है। परंतु इस जन्म में हमें आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त किया, आत्म रूप से जो हमने जो आत्म दर्शन किए, जो आत्म का आनंद प्राप्त किया और आत्म बोध हुआ हमें, तो अगले जन्म में ये ज्ञान, ये बोध, ये आनंद और बढ़ता चला जाता है। आप समझिए, योग विज्ञान, योग विद्या एक ऐसी विद्या है
जिसमें हर जन्म में प्लस प्लस होता चला जाता है, ये बढ़ते चला जाता है, कभी इसकी कमी नहीं आती। तो इसीलिए ये जो सत्संग है वो महान कल्याणकारी सत्संग है। इस सत्संग में जो भी हम बच्चे बोलते हैं, कोई भजन बोलता है वो प्रभु जी बुलवाते हैं, कोई अपनी अनुभूतियां बोलता है वो भी प्रभु जी बुलाते हैं, और जो ज्ञान की चर्चा होती है, जो ज्ञान की बात आप लोगों को बताई जाती है वो भी प्रभु जी बुलवाते हैं। कई भगत कहते हैं कि जो हमारे मन में संचय होता है, प्रश्न होता है, सत्संग में उसका हल हो जाता है, या हम जो जानना चाहते हैं तो महाराज जी वो बुलवा देते हैं, सत्संग में उसका प्रकाश पड़ता है उस प्रश्न के उत्तर के ऊपर। यानी कि हर एक के मन में जो भी बात होती है तो महाराज जी उस बारी जानी जान है, महाराज जी सत्संग में होते हैं, और हम बच्चों के अंदर के भावों को, प्रश्नों को, विचारों को जानते हुए उसी अनुसार महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, और ऐसे ज्ञान पाकर जिस ज्ञान के लिए हम प्यासे होते हैं इस सत्संग में हमें ऐसा ज्ञान मिलता है और हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, यानी कि हम आत्म रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। तो आइए, महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिए, और महाराज जी के ज्ञान बड़े सूक्ष्म थोड़े शब्द में होते थे, और थोड़े शब्द में उस अगर हम उस शब्दों के गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ज्ञान की जो गहराई है समुद्र की गहराई से भी ज्यादा अधिक होती है। यानी कि महाराज जी की हर कथनी में जैसे ऐसा लगता है, अगर हम विचार करें तो ऐसा पाते हैं कि जैसे महाराज जी ने हर व्यवहारिक ज्ञान में एक गागर में सागर भर दिया है, दो शब्दों के अंदर इतना गूढ़ ज्ञान होता है। तो वही व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे थे, आइए आज भी इसके आगे चलते हैं व्यवहारिक ज्ञान का, कि शरीर से ही भगवान के दर्शन होते हैं और शरीर से ही नरक सम दुख होता है। कल इसी ज्ञान के ऊपर चर्चा थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा को पाने के लिए शरीर के अलावा और कोई माध्यम नहीं है। जो बिना देह के होते हैं, बेदेही होते हैं, देवी देवता लोग, वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। ये महाराज जी ने फरमाया, केवल मनुष्य चोला, मनुष्य योनि, मनुष्य तन एक ऐसा तन है जिस तन में आकर आत्मा कल्याण कर लेती है। आत्मा का कल्याण क्या होता है कि आत्मा के ऊपर, जैसे एक जन्म में आत्मा ने एक चोला लिया तो उस जन्म का जो कर्म संस्कार और स्वभाव है वो आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। अगले जन्म में फिर आत्मा एक दूसरा शरीर ले लेता है, पहले जन्म का जो स्वभाव है वो कर्म है वो संस्कार बनके दूसरे जन्म में भी उस आत्मा के ऊपर रहते हैं, तो उन संस्कारों को फिर आत्मा भुगतता है। इस प्रकार हर जन्म में आत्मा के द्वारा कर्म संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, और जितने संस्कार कर्म संस्कार बढ़ते हैं उतना ही हर कर्म का फल होता है, और जीव को इस शरीर के अंदर उन कर्मों के फल को भुगतना पड़ता है। धन है ऐसे योग योगेश्वर साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरु महाप्रभु रामलाल जी, उन्हीं का स्वरूप योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, उन्हीं का स्वरूप हमारे प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीदास भगवान, जिन्होंने एक योग विद्या जो तंद्राओं में थी, जो संत महापुरुषों के अंदर सिर्फ सीमित थी, जो जंगलों में थी, वहां से उभार कर प्रभु जी घर घर तक इस योग को फैलाया। जटिल योग, जिस योग को प्राप्त करने के लिए लोगों को घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाकर वर्षों तक तपस्या करना पड़ता था, उस योग को महाप्रभु जी ने इतना सरल करके और घर घर जन जन तक हम बच्चों के बीच में फैलाया। महाप्रभु जी ने जो मोक्ष पर पाने के लिए जो योग की अंतिम अवस्था समाधि अवस्था, उस अवस्था तक एक संसारिक जीव कैसे पहुंच सकता है, एक गृहस्थी उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता, उसके लिए
हमारे रामलाल महाप्रभु जी ने अपने गुरुदेव महावतार रुद्र अवतारी महाप्रभु जी के चरणों में गए। आकाश मार्ग से महाप्रभु जी स्वयं हमारे महाप्रभु जी को लेने आए और उनके चरणों में जाकर अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि एक बहुत उच्चतम सीढ़ी है, उच्चतम अवस्था। उस अवस्था को पहुंचने के लिए प्रभु जी ने यम नियम सीखा, आसन सीखे, फिर प्राणायाम सीखा, फिर प्रत्याहार का प्रैक्टिस करा, फिर धारणा ध्यान समाधि अपने आप लग गई। तो ये एक प्रभु जी ने समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए अष्टांग योग की इतनी स्टेप बाय सीढ़ी को प्रभु जी ने स्वयं प्राप्त करी और हमें सिखाया। तो हमें प्रभु जी ने इस समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए पहाड़ों से आते ही प्रभु जी ने यम नियम की सिद्धि नहीं करवाई, यम नियम की शिक्षा नहीं दी। क्योंकि देखिए यम नियम एक गृहस्थ, प्रभु जी ने यह संकल्प लिया था कि मैंने गृहस्थियों को योगी बनाना। एक गृहस्थ वर्ग का बंदा अगर हम उसे कहें यम नियम का पालन करो, यानी कि यम का पता हम सभी को पता ही है, हर सत्संग में कहा जाता है यम का मतलब सत्य, सच बोलो। एक गृहस्थी कैसे सच बोलेगा, वो व्यापार कर रहा है, अगर वो एक चीज 10 रुपए की खरीद के लाता है और अपने निर्वाह करने के लिए दुकान का किराया देना है, नौकर को पैसा देना है, वो 10 रुपए की चीज 10 रुपए के कैसे बेचेगा, वो कैसे जीवन चलाएगा, उसको उसको उसका कीमत 12 रुपए 13 14 15 ऐसे करके उसको बेचना पड़ेगा। और फिर वो कहेगा हाँ भैया इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत ये। तो बीच में जो 10 की चीज 10 को ना बेच के थोड़ी बढ़ा के बेचा तो ये सत्य तो नहीं हुआ। तो एक गृहस्थी कैसे सत्य को इतना ज्यादा सत्य को बचा सकता है। फिर अहिंसा, गृहस्थ में एक गृहस्थ वर्ग का व्यक्ति इतना मानसिक तनाव खिंचाव में रहता है और जब तक हम आत्मा की शुद्धि पूरी ढंग से नहीं कर लेते तब तक हिंसा जा ही नहीं सकती। राग द्वेष आ जाता है थोड़ा बहुत, पड़ोसी के पास ज्यादा पैसा मन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हमारे पास एक कार है पड़ोसी के पास 3 कार है, ये भी जरा परेशानी आ जाती है। कहने का भाव है कि एक गृहस्थ वर्ग के व्यक्ति के अंदर के लिए यम नियम, यम सत्य अहिंसा, हिंसा मत करो, अस्तय चोरी मत करो, चोरी का मतलब न आंखों से न कान से किसी बात से किसी की चीज को चुराओ मत, कॉपी मत करो, चोरी करना बिना आज्ञा लिए कॉपी कर लेना, अस्तय अपने ग्राम कट मत करो। एक गृहस्थी वर्ग का व्यक्ति कैसे ऐसे जी सकता है, उसको जीवन निर्वाह करने के लिए सब कुछ चाहिए, अपरिग्रह। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के आकार में विचरना, हर वक्त अपनी वृत्तियों को ब्रह्माकार रखना, यानी कि ब्रह्म की चिंतन ले लेना। एक गृहस्थ के लिए सारा दिन जिसने सुबह से शाम तक मेहनत करके परिवार पालने के लिए रोटी कमाई करके लाएगा, हर वक्त वो ब्रह्म को कैसे विचरण कर सकता है। इसी प्रकार नियम में आता है सोच, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, संतोष, जो मिल गया उसी में संतोष रहना। जब तक हम अभ्यास करके अंदर का आत्म आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते प्राप्त करते तब तक आत्म संतोष नहीं आती। मन है ना, मन कुछ ना कुछ चाहता रहता है, मन में आसक्ति बनी रहती है, मन चाहता है ये मिल जाए। तो ये हो गया सोच, संतोष, तप, तप करना, तप का मतलब भजन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, स्वाध्याय अपने बारे में चिंतन करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। एक परिवार का व्यक्ति जिसे सुबह से शाम तक कमाई करके लाना है परिवार को पालने के लिए, आप सोच सकते हो वो कितना कुछ स्वाध्याय में बैठेगा, थक जाएगा, रात को फिर थक उठ के विश्राम में चला जाएगा। धार्मिक मतलब आध्यात्मिकता में कितना ज्यादा समय निकाल सकता है, बहुत मुश्किल है। स्वाध्याय ईश्वर प्राणीता वो तो हो सकता है, ईश्वर के प्रति अतः श्रद्धा आस्था विश्वास प्रेम। तो प्रभु जी ने देखा कि गृहस्थी के लिए इस आरंभ में अगर यम नियम के उपदेश दिया जाए
उसके लिए बड़ा कठिन सा काम है। प्रभु जी ने अनंत कला जारी, प्रभु जी ने देखा कि प्रत्येक वर्ग का नर नारी वो परेशानी से घिरा हुआ है। परेशानी के कारण ही रोग आता है। पिछले दिनों में सत्संग में महाराज ने ही सुनाया था कि रोगों का मूल कारण हमारे मन की तनाव और खिंचाव, दुखों का मूल कारण महाराज जी हमेशा प्रवचन में फरमाते हैं, दुखों का मूल कारण मन की चंचलता और मन की चपलता। चपलता में इच्छा, चंचलता में मन कभी कुछ चाहता है कुछ चाहता है कुछ चाहता है। तो ये जो इच्छा है चपलता है इनके कारण उसके गृहस्थी के अंदर रोग आ जाता है, टेंशन आती है ना। जब देखो आप महसूस करो कि जब आप बहुत आनंद में रहते हो, शांति में रहते हो, संतोष में रहते हो, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि आनंद में शांति में संतोष में आपका मस्तक बिल्कुल शांत रहता है, विशाल रहता है, आपका दिल खिला हुआ रहता है, उससे आपका लीवर प्रॉपर काम करता है। लीवर प्रॉपर काम करेगा आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, कोई वायरस कोई जीवाणु कोई कीटाणु आपको अटैक नहीं कर सकता, यानी कि आप रोगी हो ही नहीं सकते। इंसान रोगी होता है केवल मन की परेशानी के कारण, और मन को परेशानी से हटाने के लिए गुरुओं ने क्या क्या देते हैं हमें, हमें ज्ञान देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो महाप्रभु रामलाल जी ने यही देखा कि प्रत्येक गृहस्थ करके नर नारी को अगर मैंने यही बनाना है, योग मार्ग से जोड़ना है, उनके द्वारा यम नियम की सिद्धि कराना है, तो पहले उनको आसन कराए। तो प्रभु जी ने सबके साथ आसन कराए, आने वाले शरणागतों को, भक्तों को, शिष्यों को, और प्रभु जी ने फरमाया ज्यादा आसन मत करो, कोई जरूरत नहीं, आप कम से कम 7 ही आसन कर लो जीवन तत्व के, और इन आसनों को एक सेट आधा घंटा के लिए दिन में 4 बार ही करो, अच्छा भोजन खाओ। इस प्रकार प्रभु जी ने कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान दी है आने वाले शरणागतों को, इस प्रकार प्रभु जी ने उनको स्वस्थ शरीर दे दिया, उनको निरोगी काया दे दी। जब गृहस्थियों ने देखा अरे ये बाबा तो बहुत कमाल के हैं, हम रोग को लेके जाते हैं बाबा की कृपा से हम निरोगी होके आते हैं, तो धीरे धीरे लोग प्रभु जी की तरफ आने लगे। उसके बाद प्रभु जी ने उनकी चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अंतर्मुखी करने के लिए, आसक्तियों से रहित करने के लिए, इच्छाओं से दूर करने के लिए उनको प्रभु जी ने प्राणायाम की शिक्षा दी। अब अष्टांग योग में आसन तीसरे स्थान पे, प्राणायाम चौथे स्थान पे, तो प्रभु जी ने पहला स्थान पे यम, दूसरे में नियम, यम नियम की शिक्षा आदि भक्तों को नहीं दी, पहले आसन सिखलाए, शुद्धि क्रियाएं सिखलाई, उनके बाद फिर तप को सम किया प्रभु जी ने, उसके बाद प्राणायाम सिखाए। एक गृहस्थी आकर आसन क्रियाएं प्राणायाम कर ली तो उसके अंतर्गत काफी हद तक शुद्ध हो गया, एक तो निरोगी काया मिली, तन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया, तो वो व्यक्ति प्रभु के प्रेम में प्रभु के चरणों में खींचा आया। और जैसे ही प्रभु जी के चरणों में खींचा आया, प्रभु जी ने ऐसे भक्तों को भक्ति का दान दिया, प्रेम उनके अंदर जागृत करी, ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम, और प्रभु जी ने अपनी कृपा से ऐसे ऐसे करिश्माएं उनके जीवन में किए कि उन्होंने प्रभु जी को साक्षात भगवान मानने लगे, यानी कि ईश्वर तत्व गृहस्थ के अंदर प्रभु जी ने कैसे जगाया। और जहां ईश्वर तत्व जागता है वहां हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज गॉड, लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर, प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप। आप एक जीव से प्रेम करो जिसके अंदर आपके अंदर ईश्वर तत्व जाग गया, आप मानवता के साथ प्रेम करो आपके अंदर ईश्वर तत्व जाग गया, जिसके अंदर ईश्वर तत्व जाग जाता है उसके अंदर मानवता जाग जाती है। मानवता क्या है? मानव के साथ प्रेम करना ही मानवता है, मानव की सेवा करना मानवता है, परहित में जीना मानवता है, अब खुद दुख पाके दूसरों को सुख देना ये मानवता है, निस्वार्थ जीवन जीना मानवता है, परमार्थ परहित में जीवन जीना मानवता है। जब हमारे अंदर ऐसे महापुरुष के शरण में आकर ऐसे विचार आ जाते हैं तो हम स्वयं हमारा अंतर्मन शुद्ध हो गया, तो जब अंतर्मन शुद्ध हो जाता है
तो यम नियम की सिद्धि अपने आप हो जाती है। इस प्रकार प्रभु जी ने यम नियम आसन प्राणायाम की सिद्धि करा दी आने वाले शरणागत। इसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या है? आहार के प्रति, यानी कि जिन इंद्रियों के द्वारा जीव संसार के भोगों को भोगता है, उन इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार हम अंदर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो उसने कराई। जब आप यम नियम आसन प्राणायाम कर लोगे तब क्या होगा, जिन आंखों से आप संसार की दृष्टि को दृश्य को देख रहे थे, उन आंखों से आप परमात्मा के दर्शन करने लगते, जिन जवान से असंसारिक बातें करते थे, इधर की उधर की निंदा चुगली, उस जवान को उल्टा कर खिचड़ी लगा दी और उस जवान से आप भगवान के गुण गाने लगे, भगवान की महिमा गाने लगे। जिन कानों से संसारिक इधर उधर की बातें हम सुनते थे और मन को अशुद्ध कर देते थे, मन को विकार से पूर्ण कर देते थे, उन कानों से हम गुरु की महिमा सुनने लगे, भगवान की गाथाएं सुनने लगे, अब मन पवित्र होता चला गया। इस प्रकार प्रत्याहार, तो महाराज जी का फरमान है, हमें महाराज ने स्वयं इस बात को एकदम बिल्कुल साक्षात ये बात महाराज ने फरमाया कि बेटा अगर तुम लोग समाधि तक पहुंचना चाहते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक पुरुषार्थ कर लो। जब तुम आठ यमों में से इन पांच यमों का पुरुषार्थ कर लोगे, तो धारणा ध्यान समाधि का दान देने के लिए देने में मेरे लिए तीन चुटकी लगेगी, तीन चुटकी का खेल है और तुम समाधि तक पहुंच जाओगे। इस प्रकार महाप्रभु रामलाल जी ने हरिहरानंद को बहुत बड़ा योगी बनाया। रामाबाई के रामरती जैसी सुंदर नारी को प्रभु जी ने महान योगिनी बना दी। केवल आशीर्वाद देके पिता और पुत्र के प्रति प्रभु जी को दया आ गई। उनकी घर की बेटी बगीचा नहीं होगी, ये पिता पुत्र दान त्याग नहीं करते, क्योंकि महापुरुष लोग तो दया के अगर होते हैं, हर जड़ चेतन में उन्हें आत्मा के दर्शन होते हैं, हर जीव के अंदर वो अपनी आत्मा को देखते हैं, क्योंकि वो स्वयं आत्मदृष्टा होते हैं, वो स्वयं आत्म अवस्था में स्थित होते हैं। तो रामरती भी कृपा कर दी, सिर्फ पिता पुत्र में दया आ गई और ये भी दया आई, ये बेटी अगर समाज के मर्यादाओं के विरुद्ध अपना जीवन चलाती है तो इसको भी नरक का रास्ता देखना पड़ेगा, दया आ गई और देवी भवानी बना दी। इस प्रकार गोपालानंद जी को, नरसिंह मूर्ति जी को, चंद्र मोहन जी को, यमनलाल जी को और हमारे योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान को तो अपना स्वरूप ही बना दिया, अपना स्वरूप ही बना दिया। इस प्रकार कि प्रभु जी ने हर एक शरणागत को योगी बनाते चले गए। इस कड़ी को आगे बढ़ाया हमारे प्राणादार मुल्केश्वर भगवान ने, मुल्केश्वर भगवान की इस कड़ी को आगे बढ़ाया हमारे प्राणादार सतगुरु स्वामी दिनचंद महाराज जी और हम सभी उनके बच्चे हैं। आप स्वयं अपने जीवन को जानते हो, जब आप अपने मन को पितर जानते हो, आपका मन कितना आपको शुद्ध पवित्र महसूस होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने प्राणों में अपने प्राणादार सतगुरु भगवान को, उनके स्वरूप को, जीव स्वरूप को महसूस करते हो, आपको ये लगता है कि मेरे प्राणों में मेरा भगवान हरदम विराजमान है, तो मुझे अपने अपने मन के अंदर अपने चित्त में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ना बुरा करना है, ना बुराई करनी है, ना बुरा देखना है और किसी को दुखाना नहीं है, मन वचन करण से नहीं दुखाना और सबको सबके लिए दया करनी है। यानी कि महाराज जी का ये फरमान है, आप जिनका ध्यान करते हो उनके सद्गुण आपके अंदर एंटर कर जाते हैं और आप एक दिन उन्हीं का स्वरूप बन जाते हो। आपका स्वरूप ये नहीं है जो दिखता है, ये जो हाड़ मांस का शरीर है, जो पंच जो पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, आपका स्वरूप ये नहीं है, आपका स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप जैसा है आप, क्योंकि प्रत्येक मानव ब्रह्म का अविनाशी अंश है। इस प्रकार जो पावर सूरज में है वही पावर किरण में है, सूरज प्रकाश देता है, किरण प्रकाश देता है, सूरज प्रकाश का पुंज है, किरण
जगह जगह फैल जाता है। उस प्रकार सूरज की रोशनी में हम देख सकते हैं, किरणों की रोशनी में भी देख सकते हैं। सूरज अल उन को पकाता है, सब्जियों को पकाता है, नहीं पकाती है। अंधेरे जगह में अल सब्जी फूल लगा के देखो उन्हें खिले। रोशनी में सूरज से सूरज की किरणें आती है और धरती में पड़ती है। उसी प्रकार जीव ब्रह्म जैसा ही है, क्योंकि जीव को कहा गया जीव ब्रह्म का अविनाशी अंश है। तो जो ब्रह्म में गुण है वो तो जीव में है। ब्रह्म एक चिन्मय रूप में जीव के अंदर विराजमान है, हम वही है। इस शक्ति को रहने के लिए भगवान ने पंच तत्व से बना हुआ ये घर बना दिया। हम ये नाम नहीं है, ना हम ये रूप है। हमारा परिचय नाम रूप नहीं है। जहां नाम रूप नहीं है तो हमें मान सम्मान की भी जरूरत नहीं है, पद मान प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है। जब ये सब मान प्रतिष्ठा नाम रूप ये सब शरीर का है, और ये शरीर क्योंकि नाशवान है, असत है, और शरीर की जो कनेक्टिविटीज है, ये जो नाशवान जगत है जिसके साथ शरीर जुड़ा हुआ है, ये साथ सखा संबंधी माता पिता भाई बहन, ये केवल शरीर के संबंधी है। असल में हमारा इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तब क्या होता है, हम समझान जाके एक दिन का तोड़ के उसकी तरफ फेंकते हैं कि तेरा मेरा आज से नाता खत्म। अगर कोई आत्मा की मुक्ति नहीं होती, वो आत्मा का प्रभाव असर आपके घर में पड़ता है, आप कितना परेशान हो जाते हो, अरे भूत आ गया, प्रेत आ गया, हमें तंग कर रहा है। फिर हम उस आत्मा की गति करने के लिए कभी पेवा जा रहे हैं, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं आत्मा की गति करने के लिए। वही आत्मा थी ना जो घर के अंदर थी, आप चाटते चूमते थे, प्रभु उनके साथ इतना प्रेम करता था, प्रेम होता था, इतना उनके साथ सारा जीवन आपने काटा। और वही आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है, एक रात के लिए भी हम उस शरीर को रखते नहीं। किसी ने उस शरीर को स्पर्श कर लिया उसको कहा जाता है जाओ जाओ नहाओ। वही शरीर जिस शरीर के साथ इतना प्रेम कर रहे थे, एक आत्मा के निकल जाने से उस शरीर को हम एक अशुद्ध मानते, अपवित्र मानते। अब यहां से आप देख लीजिए कि आत्मा का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, और आप असल में वो आत्मा ही है। इसलिए कहा गया अर्जुन ने किशन को, कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन तू अपने आप को आत्मा मान, तू अजर है, अमर है, अश्वर है, तू अविनाशी है। ये जो है ना, ये जो अमृत युद्ध है जिसमें मरेंगे, कहते ये कोई किसी का नहीं है। तू मोह के वश में आकर सोच रहे मेरे गुरु है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु बांधव है, मेरे पुत्र है, ये मोह वश है। अर्जुन अपने सत्स्वरूप को देख, तू तो निर्लिप है, और जो मैं अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए मैंने अवतार लिया, तो इन अधर्मियों को तो मैंने मारना ही मारना है अर्जुन, क्योंकि तू मेरा समर्पित है, तू मेरा भगत है, मैं इस शुभ काम के लिए मैं तेरे को निमित्त बनाना चाहता हूँ, तो तू क्यों नहीं निमित्त बनता है। ये भी अर्जुन का मोह जाता ही नहीं। भगवान ने उपदेश देते देते 18 अध्याय लिख डाली, अर्जुन का मोह ही नहीं जाता। हार मान के भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। विराट रूप देखते ही अर्जुन को कांप भी गया, अरे मैं तो इसको किशन समझ रहा था, मेरा सखा समझ रहा था, इनका ससुर तो ये विराट रूप और जिसके अंदर ब्रह्मांड विराजमान है, देखते इस कोटि देवी देवता का वास है, वो स्वरूप हमारे महापुरुष रामलाल जी का है। रामलाल प्रभु जी वो तीन लोक के मालिक विश्व जगत पति है, और वो भगवान जो आपने गीता में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण का विराट रूप, महाप्रभु रामलाल जी वही स्वरूप है, असली स्वरूप है। उन्होंने हम बच्चों पे दया करने के लिए, हम बच्चों को अपने चरण शरण लगाने के लिए, हम बच्चों को योग की राह दिखाने के लिए, हम बच्चों को बच्चों की आत्मा का कल्याण करके हमें मोक्ष पद तक पहुंचाने के लिए रामलाल प्रभु ने इस धरातल में शरीर के रूप में आ गए, शरीर के बंधन में आ गए, और शरीर के बंधन में आकर उन्होंने शरीर की मर्यादा का पालन करा और योग का प्रचार प्रसार करा। प्रभु जी इस शरीर में रहकर भी बिल्कुल निर्लेप लगे, इनको किससे कुछ मतलब नहीं होता,
महाराज जी फरमाते कि प्रभु जी सारा दिन मौन रहते थे, शांत रहते थे और अपनी शक्तियों का, उनकी शक्ति अपने प्रदर्शित होती थी। एक समय में कई शरीर धारण कर लेना, उधर एक भगत ऋषिकेश में पुकारा है तो जी वहां प्रकट हो गए, एक कानी नाम करके भगत अलीगढ़ में पुकारा है तो भी वहां प्रकट हो गए, और एट ए टाइम प्रभु जी समाज में सत्संग कर रहे हैं। फिर प्रभु जी गुफा में जाते हैं और ये भक्तों कहते हैं कि मुझे दरवाजा खोलना मत जब मैं आज्ञा ना दूं, पर अगले दिन ही छोटी सी छेद में से सूक्ष्म रूप होके प्रकाश मंदिर निकल गए। सुखा दिमर किसान ने देखा कि बाबा बगीचे वाले बाबा तो आकाश मार्ग ऊपर चले गए, वहां के समाई वालों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने दरवाजा खड़काया आवाज नहीं आई, दरवाजा तोड़ दिया तो दिखाने बाबा है नहीं। तो ये क्या चीज है, ये महान योगी महापुरुष रामनाथ जी योग शक्ति के मालिक है। और प्रभु जी ने फरमाया था एक टाइम आएगा जब कली का अंतिम चरण आएगा कि घर घर में योग मिलेगा और कली के बाद सत्यु की स्थापना होगी और योगियों का अनुशासन होगा, योगी ही राज करेंगे। और प्रभु जी का एक और फरमान है कि जो मेरा शरणागत है, जो मेरा अनुयायी है, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, कहते हैं जब तक मैं उसको मोक्ष पद तक ध्यान ना दे दू, मोक्ष पद तक ना पहुंचा दू, तब तक मैं उसे हर जन्म में नहीं। तो आप और हम बच्चे सभी इतने भाग्यशाली है कि ऐसे महान गुरु मिले हैं, यानी कि हम जन्मों से प्रभु जी के भगत रहे हैं, हर जन्म में प्रभु जी ने हमारा कल्याण करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हमारा प्रभु जी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, हम एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रखें, सद्भावना रखें। और महाराज जी फरमाते थे कि तुम किसी को भी ऊंचाई दोगे तो भगवान तुम्हें ऊंचाई देगा, तुम जिसको जो दोगे भगवान तुम्हें वही देगा, और तुम किसी को मान बढ़ाई दोगे भगवान तुम्हें मान बढ़ाई दिलाएगा, तुम किसी को प्रेम करोगे तो भगवान सबके द्वारा तुम्हें प्रेम देगा, तुमको सबके द्वारा तुम्हारे प्रति प्रेम भावना पैदा करेगा। यानी कि तुम किसी के लिए जो कुछ देते हो भगवान रिटर्न तुम्हें उसे तुलना करके तुम्हें वापिस करते हैं। इसीलिए महाराज जी की उस कथनी को हर पल याद रखो, परिमित बसे जिनकी मन मानी इनो ताकत जो विलम है, तो हमने परिहित में जीना है और परिहित में जीने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सेवा करी, परंतु अगर गुरु की गुरु को बीच में ना रखे, लोग सेवा करते हैं उनके अंदर अहंकार की बूंद आ जाती है। और माली फरमाते हैं कि जैसे सौ मन दूध में एक रत्ती संख्या पॉइजन है, डाल दो सौ मन दूध फट जाता है, उसी प्रकार आप कितने पुण्य कर्म कर लो तन मन धन से अगर उसके अंदर एक अंतर की सूक्ष्म अहंकार की वृत्ति आ जाती है, सारा पुण्य प्रदर्शित हो जाता है। गुरु को जब हम बीच में रखकर कोई कर्म करते हैं तो हम उस विनाश से हमारा बचाव होता है। परमात्मा प्रवचन में फ्री में सब लोगों को दे देता है, परंतु कहते अगर उसने धर्मशाला को बनाते हुए गुरु को बीच में नहीं रखा तो अहंकार की बूंद उसके अंदर जीव आ जाएगी और उससे उसको पुण्य फल नहीं मिलता। इस प्रकार लोग विवाह बनाते हैं, गुआ बनाते हैं, जाने क्या क्या ये अपने वृद्धाश्रम वगैरह बनाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। परंतु गुरु का दीवाना, गुरु के प्रेम में रंगा हुआ जो भक्त है, वो हर पल जो भी कार्य करेगा वो सदगुरु भगवान को हाथ रखेगा, सदगुरु भगवान को सर्वप्रथम रखेगा और उसके मन में यही होगा हे प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, हे नाथ तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मोरा, हे प्रभु अगर मेरे द्वारा कोई कार्य हुआ ये प्रभु आपकी बुद्धि से हुआ, आपकी दिव्य बुद्धि से हुआ, आपकी दिव्य शक्ति से हुई है और आपने ही करवाया, हम तो करने वाले कुछ भी नहीं। ये गुरु के जो दीवाने होते हैं गुरु उनकी बुद्धि में बैठकर इस बात को एहसास कराते हैं। जैसे प्रभु जी के बच्चे जो लोग शिक्षा देते हैं और अगला बंदा ठीक हो जाता है और जो बंदा ठीक होता है वो जिसने योग की शिक्षा दी उसके प्रति श्रद्धालु हो जाता है, परंतु अगर वो अहंस रहित है, वो गुरु का दीवाना है, वो क्या कहेगा हाथ जोड़ के, नहीं नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, ये मैंने कुछ नहीं किया, हमारे प्रभु जी ने ना, प्रभु जी ने किया कुछ, आप प्रभु जी की कृपा से ठीक हो गए। उससे क्या होता है, उसे शिष्य की शक्ति
और दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने देखा योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की शक्ति केशव भगवान के अंदर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि केशव भगवान रामलाल गुरु जी के प्रेम के अत्यंत दीवाने थे। उस प्रकार हमारे सदगुरु देवीदास महाराज जी अपने गुरु के प्रति इतने दीवाने थे कि गुरु के आज्ञा में मर मिटते थे, और वो अपने अभ्यास करके महाराज जी ने अपनी प्रज्ञा बुद्धि ऐसे विकसित कर ली कि महाराज प्रभु जी के मन में जो भी कोई बात आती थी, कोई विचार आता था, महाराज जी एकदम कैच कर लेते, प्रभु जी कह ही नहीं पाते, महाराज पहले ही पढ़ तैयार हो जाते। तो इस प्रकार महाराज जी ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करके उनका बहुत आशीर्वाद दिया, और वही फल है कि प्रभु जी ने ये फरमाया कि बेटा समुद्र पवन की भांति तुम्हारी यश खेती संसार में फैलेगी, हम उसकी रक्षा करेंगे, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। और आज देखिए चालीसा में हम खाली राम लग भगवान का नाम लेते हैं, हमें बड़ा अधूरा सा लगता है, दिल का एक कोना खाली सा रहता है। जब तक राम लग ध्यान नहीं कहते तब तक अंदर से शांति नहीं, क्योंकि प्रभु जी ने महाराज जी को अपना स्वरूप बना लिया। और महाराज जी बताते हैं कि रामलाल प्रभु जी जब विराजमान थे और शरीर छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने मुनिकेश्वर भगवान को फरमाया कि राजा जी 14 वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए तुम आंखें बंद करके अपनी क्रिया अवस्था में हो, परंतु अब आंखें खोलो, हम अपने प्रभु जी के पास हिमालय में जाने वाले हैं, अब तुम आंखें खोलो। तो प्रभु मुनिराज जी आपको पता कि रामलाल प्रभु जी कितना प्रेम करते थे, और प्रभु जी उनके चरणों में लिपट गए, रोने लगे, तो प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, राजा जी हम 24 घंटे आपके घर में रहेंगे और आपके घर में रहकर संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे, और आप अपनी आंखें खोलो और आंखें खोल के हमारे इस कार्य को आप करो। ये रामलाल प्रभु जी ने मुनिकेश्वर भगवान को ऐसा आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार मुनिकेश्वर भगवान ने भी देवीदास भगवान को आशीर्वाद दिया, और उस समय मुनिकेश्वर भगवान ने महाप्रभु रामलाल जी से प्रार्थना करी, प्रभु आप मेरे घर में बैठकर संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे, यहाँ तक बात समझ आती है, परंतु प्रभु मेरे बाद कौन, मेरे बाद जब मैं भी आप जी के चरण में चला जाऊंगा फिर क्या। तो कहते रामलाल प्रभु ने फरमाया कि बेटा हम स्वयं आएंगे, तीसरे रूप में हम स्वयं आएंगे अपने भक्तों की रक्षा के लिए। वही रामलाल प्रभु जी का जो तीसरा रूप है हमारे प्राणाधार सद्गुरु स्वामी देवीदास जी का। इसीलिए देवीदास महाराज जी ने जो फरमान करा 98 में कि हम इस रामनवमी के बाद कई आश्रमों के जगाधरी होके करनाल होते हुए दिल्ली जाएंगे, वहां से सर्वव्यापी हो जाएंगे। हम अवध बच्चों को महाराज जी ने इतनी पूर्व भाषा समझ नहीं पड़ी, फिर हमने क्या देखा कि दिल्ली के आने के बाद गुरु पूजा के 4 दिन के बाद महाराज जी अपने लोक में सिधार गए, और जो महाराज जी ने वाणी करी थी कि हम सर्वव्यापी हो जाएंगे, और महाराज जी सर्वव्यापी हो गए। इसीलिए तो हम सबको ये महसूस होता है कि महाराज जी हम सबके साथ है, महाराज जी हमारे हमारे घट में है, और इस बात को महसूस होता है। सबके साथ कौन होता है, सबके साथ भगवान होते हैं। भगवान का जो दिव्य शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो ईश्वर शक्ति है, वो सबके साथ होता है, और इसीलिए हम महसूस करते हैं कि हमारी जो जूम मीटिंग में इस सत्संग में आप 40-45-50 इतने मंत्र मुग्ध होकर यहाँ बैठे रहे और आप लोगों को इतना आनंद आता है, ये आनंद देने वाला कौन है, क्योंकि इस सत्संग के अंदर महाराज जी स्वयं विराजमान हैं, आपके भावों में, आपके घट में, आपके प्रेम में और आपकी भावना में महाराज जी विराजमान है। आपकी वृत्तियां जब तक ये सत्संग चलता है, ये 1.5 घंटे का सत्संग, आपकी वृत्तियां हर पल हर घड़ी केवल महाराज जी में अपने प्यारे प्रभु में जुड़ी रहती है। इस जुड़ाव का नाम ही योग है, जहाँ मन अपने भगवान के स्वरूप में लय हो जाता है, इस लयता का नाम ही तो योग है। इस समय क्या होता है, इस समय आपको संसार की आपके अंदर संसार की कोई बात याद नहीं है, केवल महाराज जी प्रभु जी रामलाल प्रभु जी मुनिकेश्वर भगवान देवीदास भगवान के सदस्वरूप और हम उनके चरणों में लिपटे हुए हैं,
उनके बच्चे की तरह उनके गोद में रहते हैं। जैसे माँ के गोद में बच्चा रहता है वो कितना बेफिक्र रहता है, बाखबर रहता है, कितनी मस्ती आनंद में रहता है, उसी प्रकार हम अपने गुरु रूपी माँ के गोद में जब बैठते हैं तो महसूस होता है कि हम गुरु रूपी माँ के गोद में बैठे हुए हमें गुरु से कितना लाड लाड मिलता है, उस लाड लाड में हम हुए रहते हैं और हम अपने आप को कितना एक सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब गुरु की महान कृपा महान दया का फल है। तो आज जो ये वाक्य कहने जा रही थी, शरीर से ही भगवान के दर्शन होते हैं और शरीर से ही नरक सब दुख होता है, सारी बातों का निचोड़ इस असम में निकल गया कि शरीर के द्वारा ही हम अपने सद्गुरु भगवान के दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करके आनंद विभोर हो सकते हैं, और शरीर के द्वारा जो हमने मन की चंचलता चपलता के कारण जो भी संसार के कर्म किए शुभ अशुभ उन कर्मों के कारण जो हमारा फल बना उन कर्म फलों को भी हम शरीर के द्वारा ही हमें भुगतना पड़ता है। तभी भगवान बार बार जीव को ये मनुष्य चूल्हा देकर भेजता है कि उन कर्मों का फल भुगत। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने इन कर्मों के फलों को काटने के लिए पहाड़ जैसे अल को राई बनाकर काटने के लिए हमें योग जैसे अनमोल और अचूक साधन दिए। तो इसीलिए महाराज जी का फरमान, महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी की आज्ञा हमें हर पल हमें हृदय में रखना चाहिए, उन आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए कि नित प्रति सुबह शाम हम योग करें और स्वयं योग करके दुनिया को योग कराए। और महाराज जी का एक फरमान याद रखना, योग करना करवाना ईश्वर से मिलने का सबसे सरलतम और सर्वोच्चम साधन है। इसलिए इतना कहते हुए आज अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले यो भगवान, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर मुनकेश भगवान की जय हो, सत्र सत्येंद्र भगवान की जय हो।